नमस्ते सर चादर सादर चरण स्पर्श। जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैं मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ, बूथ जी। अध्यक्ष। मनोज जी, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। सर मैं मनोज कुमार पटेल, बूथ अध्यक्ष, कर्दमेश्वर मंडल, रोनिया विधानसभा। अच्छा, कब से हैं बूथ अध्यक्ष? सर हम तो पिछले 2017 से ही हैं। अच्छा, मनोज जी, इस समय तो हर जगह, हर ठिहा पे चुनाव की बात हो रही होगी। इस हाँ सर, सबके बीच हमें ये याद रखना है कि गरीब, वंचित, शोषित के लिए जो भी लाभ हैं वो उन्हें मिलते रहे। जी सर, उम्मीद है आप लोग अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों के सूत जरूर ले रहे होंगे। जी सर, सर हम लोग तो अपने यहाँ गांव वगैरह में 10-15 दिन पे और हफ्तों भर में 10-15 की टोली बना के गरीब परिवारों में जाते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं। और लोग यही बताते हैं कि नहीं, हम लोग को इस कोरोना काल में जो राशन वगैरह मिल रहा है उससे हमारे और परिवार का इतना अच्छा सा चल रहा है कि जिसकी वो कल्पना आज से पहले कभी नहीं किए थे। जितना लोगों को राशन वगैरह मिल जा रहे हैं सर, वो इतने इतना आभार व्यक्त करते हैं कि अब क्या कहा जाए, काफी खुश हैं लोग। क्या मनोज जी, वाराणसी और आसपास के इलाकों में जी सर, हमारे किसानों का हाल क्या है? सर बहुत उनका अच्छा हालचाल हाल। भी तो, जब आप इतने 10-12 लोग हर जगह पे जाते हैं तो किसानों के बीच में भी जाते होंगे, जी सर, जी सर, जी सर, बताइए। सर यहाँ पर बनारस में और पूर्वांचल में जो यहाँ पे किसानों को आपके प्रयासों से सब्जी फल फूल की आदि की जो खेती का बढ़ावा मिला है और बढ़ावा मिला है, और सर राजा तला क्षेत्र में बने पेरिशेबल कार्बोनेट सेंटर, फल फूल ऐसी उपज को स्टोरेज करके किसानों को आसानी हुई है पिछले दिनों, और जो बनारस में डेयरी सेंटर खोलने से लाखों किसान परिवारों को निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिल रहा है सर। और अभी कुछ दिन पहले ही जो रामनगर में दूध प्लांट, बायोगैस से बिजली बनाने का प्लांट का निर्माण हुआ है, उससे भी किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। और सर किसानों से जो केवल दूध से बल्कि गोबर की बिक्री भी कर रहे हैं, उससे भी काफी लाभ हो रहा है किसानों के यहाँ पे और काफी प्रसन्न है लोग। और सर अभी इस समय बहुत तेजी से चला है मत्स्य पालन, सर मछली पालन करके किसान यहाँ अच्छे खासे पैसा उससे कमा रहे हैं, इसलिए उनमें काफी प्रसन्नता भी हो रही है आपस में लोगों को, और इसके प्रति काफी जागरूक भी हैं लोग। पूरे क्षेत्र में काफी लोग कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए वो काफी प्रसन्न है सर। मनोज जी, मुझे खुशी हुई कि आपको धरती की जानकारी है, आप सबसे निकट संपर्क में है, ये बिल्कुल साफ साफ आपकी बातों में से लगता है। मनोज जी, मैं आपको और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप सभी इस महामारी में भी इस सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सर हमारी सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक की व्यवस्था बनाई है, जी सर, किसान रेल चलाना, नई डेयरी खोलना, जी सर, पशुओं का टीकाकरण अभियान जैसे अनेक काम किए हैं। जी पूरे देश में कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जी उस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। जी उसी जी प्रकार से आप सभी भाजपा कार्यकर्ता जी किसानों को इन सारे अवसरों के बारे में जी सर, लगातार जागृत करते रहना चाहिए। जी जी सर, किसान को जी एक बार बात बताने से बात बनती नहीं है, जी क्योंकि किसान जब तक कन्विंस नहीं होता और जी जब तक विश्वास उसका पैदा नहीं होता, जी कोई नई चीज वो स्वीकार नहीं करता है।
जी सर और विशेष तौर पर तो मैं चाहूंगा कि किसानों को प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग के बारे में जरूर बताएं। धरती मां को बचाने के लिए केमिकल मुक्त खेती करने के लिए खेती का खर्च कम करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। मनोज जी मुझे अच्छा लगा आपसे बात कर करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत छोटी छोटी जानकारियां भी रखते हैं।